फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं प्रशंसा आज हम कॉल इन रिवाइज एंगेजिंग इंग्लिश बुक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एट द टॉकिंग केव इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने वीडियो के पार्ट वन में डाल दिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे ए मैच द कॉलम्स टू कम्प्लीट देंटेंस फ्रॉम द स्टोरी मैच द फॉलोइंग करना है ए ग्रुप बी ग्रुपे फर्स्ट द केफ बिलोंग्ड द केव बिलोंग टू इफ अ लाइन वॉज इनसाइड केव एंड गॉड कॉट टू अल बिलोंग टू अकल कॉल्ड आउट द जैकल कॉल्ड आउट टू हिस्स केव जैकल वॉन्टेड टू नो इफ अ लाइन वॉज इनसाइड अ केव जैकल को पता लगाना था लायन केव के अंदर है या नहीं द लायन रिपीटेड हेलो एंड गॉट कॉट लायन ने हेलो रिपीट किया और पकड़ा गया नंबर दिस सेंटेंस इन राइट ऑर्डर द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू अब हमको नंबर करना है सेंटेंस वन टू थ्री फोर स्टोरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर है यहाँ पे अ लायन वॉज हंग्री एंड टायर्ड एंड वेट टू द केव टू रेस्ट लायन भूखा था और थक गया था और केफ के अंदर गया रेस्ट करने के लिए सेकेंड नंबर यहाँ है ऊपर वाला द केव बिलोंग टू अ क्लवर जैकल केव क्लवर जैकल का था थर्ड नंबर यहाँ पे है द जैकल वॉज अ फ्रेड टू सी लाइन्स पॉप प्रिंट गोइंग इन टू द केव जैकल डर गया लाइन्स के लाइन के पैर के निशान देख के केव के अंदर जाते हुए फोर्थ लाइन यहाँ पे है ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ लाइन वॉज इनसाइड द केव फॉक्स को पता लगाना था कि केव के अंदर लाइन है या नहीं

दो द लायन रिप्लाईड हेलो एंड द जैकन रन अवे टू सेव हिस्स लाइफ तो लायन ने हेलो रिप्लाई किया और जैकन अपनी बना के भाग गया वे विध वर्ड सर्कल द ऑड वर्ड आउट इन ईच सेट लीफ फ्लावर फ्रूट पेपर यहाँ सब एक प्लांट के पार्ट है लीफ फ्लावर फ्रूट ये सब प्लांट के पार्ट है पेपर प्लांट का पार्ट नहीं है ये ऑड वन आउट है हम इसको सर्कल कर देंगे लायन एलिफेंट काउ बियर इन सब में ऑड वन आउट क्या है इन सब में ऑड वन आउट है लायन क्योंकि एलिफेंट काउ और बियर ये सब जंगल के राजे नहीं है लायन जंगल का राजा है बोट शिप बस याच बोट शिप और याच पानी में चल सकता है लेकिन बस पानी में नहीं चल सकता इसलिए और वन आउट है डेन हैन उट है क्योंकि हेन एक एनिमल है और डेन नेस्ट बरोनिमल के रहने की जगह है अपोजिट वर्ड्स मैच द अपोजिट वर्ड थिक थ हॉट कोल्ड इनसाइड आउटसाइड कम गो क्लेवर फूलिश एनिमल होम्स द जैकल इन द स्टोरी लिव्ड इन अ केव मैच द एनिमल्स टू देयर होम्स स्टोरी में जैकल केव में रहता था आइए ऑन ट्री स्नेक स्नेक बरो बी इन बी हाइव फ्रॉग फ्रॉग इन पॉन्ड एंट एंट लिव इन एंट हिल रेबिट इन होल ग्रामर इन यूज

वी एड ईडी टू द डूंग टू शो एक्शन दैट हेज ऑलरेडी हैपन्ड हम ईडी डूइंग वर्ड्स में लगाते हैं जब हमको बताना हो शो करना हो कि वो एक्शन पहले से ही कम्पलीटेड है हो गया है एग्जाम्पल वॉन्ट प्लस ईडी वॉन्टेड रिटर्न प्लस ईडी रिटर्न एड ई डी टू डीज डूइंग वर्ड वन इज डन फॉर यू कुक कुड वॉक वॉकड टॉक

बेड के अंदर बॉय ने बॉल ढूंढा वो हो गया उसने ढूंढ लिया इसलिए हम ईडी द जैकल डैश इफ अ अज इन वंडर दर वॉज पॉ प्रिंट आउट साइड द केव द जैकल वंडर्ड इफ द लाइन वॉज इट मीरा डैश द स्टोरी बुक फॉर फ्रेंड मीरा बोरो द स्टोरी बुक फ्राम हर फ्रेंड मीरा ने स्टोरी बुक बोरो फ्रेंड से आई डैश माई डी शूज आई क्लीन माई डी शूज उसने लिया द टॉल मैन डैश लाउडली द टॉल मैन शाउटेड लाउडली टॉल मैन ने जोर से चिल्लाया ब्लैंक्स विद ए यू ये वॉवल्स है वॉवल्स मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो टू कम्प्लीट दीज वर्ड्स फ्रॉम सी एल पी आर e, आई एन टी प्रिंट आई वॉवेल है जे यू एन जी एल ई जंगल एल आई ओ एन लायन इसमें आई और ओ वॉवल है ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड डी एन एसई डे आज हमने जो क्वेश्चन किया उसका एक्सप्लेन इन चैप्टर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं टूडे फैक्ट इट टेक्स टू ईयर टू ग्रो वन पाइन एप्पल दो साल में एक पाइन एप्पल उगता है पाइनएप्पल बहुत ध्यान से खाना चाहिए आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना थैंक यू सीवी नेक्स्ट वीडियो बाय